हम बात करेंगे फिल्म क्रांति मूवी के कास्ट के बारे में, पहले कैसे दिखते थे और अब कैसे दिखते हैं। आपको बता दें इसकी रिलीज की तारीख थी 3 फरवरी 1981, ये भारत में रिलीज हुई थी। इसे डायरेक्ट किया था मनोज कुमार। इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 200 मिलियन का और इसके लेखक थे सलीम जावेद, मनोज कुमार, संतोष आनंद। मनोज कुमार ने इसका निर्देशन किया। इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था 24 जुलाई 1937 को। इनकी उम्र 84 वर्ष है। इनके जीवन साथी की बात की जाए तो इनकी पत्नी का नाम शशि गोस्वामी है। इनके बच्चे कुणाल गोस्वामी, विशाल गोस्वामी हैं। इनके माता पिता का नाम HL गोस्वामी, कृष्णा कुमारी गोस्वामी है। इनके भाई बहन का नाम राजीव गोस्वामी, मनीषार गोस्वामी, नीलम गोस्वामी है। मोहन। हाँ सर। ठीक है सरदार, खूनी सौदागरों के आने जाने का रास्ता समंदर है, इन्हें आते जाते हमारा। राम मोहन, फिल्म में राम मोहन। इनका जन्म भारत में 1931 में हुआ था। इनकी मृत्यु मुंबई में 11 अक्टूबर 2019 में हुई थी। समुद्र में जिंदा लोग ही डूबता है, सिर्फ लाश बहकर बाहर आता है। गुफी पेंटल, फिल्म में सागा के बेटे की तलाश में आदमी। इनका जन्म तरन तारण में हुआ था 4 अक्टूबर 1944 में। इनकी उम्र 77 वर्ष है। तो इनकी पत्नी की बात की जाए तो उनका नाम रेखा पेंटल है। इनके बच्चों की बात की जाए तो हैरी पेंटल, भाई बहन की बात की जाए तो पेंटल। भगवान, अगर किसी को पता चल गया कि चारुमती को फिर मुर्दा बच्चा पैदा हुआ है तो बच्चा और उसका सार देवी मानी ये बच्चा। सलोचना लतकर, फिल्म में राम। इनका जन्म खड़कलाती में 30 जुलाई 1928 में हुआ था। इनकी उम्र 93 वर्ष है। अवार्ड की बात की जाए तो चित्र भूषण, महाराष्ट्र भूषण और पद्मश्री से इन्हें नवाजा गया था। इनके बच्चों की बात की जाए तो इनके बच्चों का नाम कंचन घानेकर है। राजकुमार जी, ये पहिया टूट गया तो हम बुझा देते हैं अग्नि। नाम दरमियान सिंह, काम आग बुझाना। मनमोहन, फिल्म में दरमियान सिंह। इनका जन्म जमशेदपुर में 28 जनवरी 1933 को हुआ था। इनकी मृत्यु मुंबई में 26 अगस्त 1979 में हुई थी। इनके बच्चों का नाम नितिन मनमोहन है। सांगा के साथ साथ उसका परिवार भी खत्म हो गया। परिवार क्यों, ये नन्ना राजकुमार जो है अब हम इसे अपनी सुरीली के साथ पालेंगे। लेकिन इसका नाम क्या है? एक दिन सांगा ने कहा था अगले बरस इसका नामकरण संस्कार करेंगे और इसका नाम भारत रखेंगे। शम्मी, फिल्म में भारत की माँ। इनका जन्म मुंबई में 1931 में हुआ था। इनकी मृत्यु मुंबई में 6 मार्च 2018 में हुई थी। इनके जीवन साथी की बात की जाए तो इनके पति का नाम सुल्तान अहमद है। इनके बच्चों का नाम इकबाल रिजवी है। इनके भाई बहन का नाम मनी जे रबादी है। शंभू सिंह, तुम्हारे जन्मदिन की खुशी में तुम्हारे सिपाही नशे से बेहोश है। बदला। किसका बदला? सिर्फ अपने बाप का ही नहीं बल्कि हर उस जुल्म का जो तुमने इस देश पर किया। शंभू सिंह, तुम अपने जन्मदिन वाले दिन ही मरोगे। कुणाल गोस्वामी, फिल्म में भारत और मीनाक्षी के पुत्र। इनका जन्म भारत में 24 नवंबर 1961 को हुआ था। इनकी आयु 60 वर्ष है। जीवन साथी की बात की जाए तो इनकी पत्नी का नाम रीति गोस्वामी है। इनके बच्चों की बात की जाए तो इनके बच्चों का नाम करम गोस्वामी है, भाई बहन विशाल गोस्वामी, माता पिता का नाम मनोज कुमार, शशि गोस्वामी है। सांगा के साथ साथ उसका परिवार भी खत्म हो गया। परिवार क्यों, ये नन्ना राजकुमार जो है अब हम इसे अपनी सुरीली के साथ पालेंगे। लेकिन इसका नाम क्या है? एक दिन सांगा ने कहा था अगले बरस इसका नामकरण संस्कार करेंगे और इसका नाम भारत रखेंगे। सुधीर दलवी, फिल्म में भीम। इनका जन्म ठाणे में 20 मार्च 1939 में हुआ था। इनकी उम्र 82 वर्ष है। इनके बच्चों का नाम रोहित दलविक है। जय सिंह। यस सर। यस सर।
तुम इडियट हो, तुम गधे हो। थैंक यू सर। इतनी खूबसूरत लड़की ऐसे कामों के लिए नहीं होती। हम अंग्रेज अपने यूनिफॉर्म में कोई पर्सनल काम नहीं करते। इसे बाद में भेजते। टॉम वॉल्टर फिल्म में अंग्रेजी जनरल। इनका जन्म मसूरी में 22 जून 1950 को हुआ था। इनकी मृत्यु मुंबई में 29 सितंबर 2017 में हुई थी। जीवन साथी की बात की जाए तो इनकी पत्नी का नाम कैरल इवांस वॉल्टर है। इनके बच्चों का नाम जेमी वॉल्टर और साथ में अफशान वॉल्टर है। इनके माता पिता बैरी वॉल्टर, जिम वॉल्टर है। इनके भाई बहन जॉन वॉल्टर, मार्था चैनो है। हर शक्ति सिंह जी, सेनापति बनने वाला उम्मीदवार अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर घूमते ही मछली की आंख को अपने तीर का निशाना बनाएगा। और याद रहे, अगर निशाना जरा भी चूका तो तीर मछली के पीछे खड़ी माँ के सीने में जा लगेगा। इस माँ के सीने में। धीरज कुमार फिल्म में प्रिंस हीरा। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1944 में हुआ था। इनकी उम्र 77 वर्ष है। जीवन साथी की बात की जाए तो इनकी पत्नी का नाम जूबी कोचर है। अगर तुमने उसे ये कह दिया कि तुम उसकी माँ हो तो जानती हो इसका क्या हशर होगा। आज राजमहल में रहने वाला शक्ति कल गलियों में भटकेगा। तुम्हें इनकार करना होगा। राधा, आज से तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं। शक्ति के आने से पहले मुझे यहाँ से जाना होगा। शशिकला फिल्म में चारुमती। इनका जन्म सोलापुर में 4 अगस्त 1932 को हुआ था। इनकी मृत्यु मुंबई में 4 अप्रैल 2021 को हुई थी। जीवन साथी की बात की जाए तो इनके पति का नाम ओम प्रकाश सहगल है। इनके माता पिता का नाम अनंत राव जावलकरी है। शशिकला सहगल है। अवार्ड की बात की जाए तो इनको फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स के लिए इन्हें नवाजा गया था। मेन साहब के साथ साथ उसको खुश रखना भी मेरा ही फर्ज है। ये छोकरी, ऊपर की सफाई के साथ साथ नीचे वालों को पानी पिलाना भी तुम्हारा ही काम है। मदनपुरी फिल्म में शेर सिंह। इनका जन्म पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था 30 सितंबर 1915 को। इनकी मृत्यु मुंबई में 13 जनवरी 1985 को हुई थी। जीवन साथी की बात की जाए तो इनकी पत्नी का नाम शीला देवी पुरी है। इनके भाई बहन का नाम चमन पुरी, अमरीश पुरी, हरीश सिंह पुरी, चंद्रकांता मेहता है। इनके बच्चों की बात की जाए तो प्रवेश पुरी, रमेश पुरी और कमलेश पुरी है। इनके ग्रैंड चिल्ड्रन विक्रम पुरी, सोनल पुरी, इशिता पुरी और अमृत पुरी, कंचन पुरी है। महारानी झांसी की हारी हुई फौज के भागे हुए सिपाही करीम खान, मौत से पहले कुछ कहना है? सेनापति, वो गिरफ्तार होगा। हमने फैसला कर लिया है कि हम अपना पुराना सेनापति बदल देंगे। नहीं, हमारा नया सेनापति हमारी बहन का इकलौता बेटा शक्ति होगा। प्रदीप कुमार फिल्म में शमशेर सिंह। इनका जन्म पश्चिम बंगाल में 4 जनवरी 1925 में हुआ था। इनकी मृत्यु कोलकाता में 27 अक्टूबर 2001 में हुई थी। इनके बच्चों का नाम बीना बनर्जी, देवी प्रसाद, रीना कुमार है। इनके गर्ल चिल्ड्रन सिद्धार्थ बनर्जी हैं। मेरा बेटा जिंदा, ओ, मेरा बेटा जिंदा है माँ, तेरा बेटा जिंदा है। मुझे इतनी शक्ति देना माँ कि मैं अपने बेटे से दूर रह सकूं। मुझे शक्ति देना माँ। निरूपा रॉय फिल्म में राधा। इनका जन्म वलसाड़ी में 4 जनवरी 1931 को हुआ था। इनकी मृत्यु मुंबई में 13 अक्टूबर 2004 में हुई थी। इनका पूरा नाम कोकिला किशोर चंद बुलसर है। पति की बात की जाए तो कमल रॉय है। इनके बच्चों का नाम योगेश रॉय, किरण रॉय है। दिल तो करता है सांगा इस अंग्रेजी कमाल को तुम्हारी रगों में बहता हुआ हिंदुस्तानी खून पेश करूं, मगर नहीं, शंभू के हाथ मजबूर है। और फिर जिसे फांसी की सजा मिलनी हो उसे भला हम क्यों मारेंगे। प्रेम चोपड़ा फिल्म में शंभू सिंह। इनका जन्म पाकिस्तान के लाहौर में 23 सितंबर 1935 को हुआ था। इनकी उम्र 86 वर्ष है। जीवन साथी की बात की जाए तो इनकी पत्नी का नाम उमा चोपड़ा है। इनके बच्चों की बात की जाए तो प्रेरणा चोपड़ा, पुनीता चोपड़ा और रकीता चोपड़ा है। इनके ग्रैंड चिल्ड्रन खयाला जोशी, विहान जोशी, आर्यन जोशी, सांची भल्ला और वीर भल्ला है। इनके भाई बहन कैलाश चोपड़ा, अंजू चोपड़ा है। जिस जमीन में दफन होना है उस जमीन की कसम
जब तक हिंदुस्तान पे अंग्रेजों का जुल्म होता रहेगा तब तक करीम खान जैसे बागी पैदा होते रहेंगे। थू! महाराज की जय। अंग्रेजों के जूते चाटने वाले महाराज की जय कहने से पहले, शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म में करीम खान, इनका जन्म पटना में 9 दिसंबर 1945 को हुआ था। इनकी आयु 76 वर्ष है। इनकी जीवन साथी की बात की जाए, इनकी पत्नी का नाम पूनम सिन्हा है। इनके बच्चों का नाम सोनाक्षी सिन्हा, लव सिन्हा और कुश सिन्हा है। इनके भाई बहन लक्ष्मण सिन्हा, राम सिन्हा, भरत सिन्हा है। शक्ति ना तो किसी चुनौती से डरने वाला है और ना ही सौदा करने वाला है। कौन सा सौदा? आपकी शर्त में सौदा है युवराज जी, और मैं सेनापति बनने के लिए आपकी शर्त के तराजू में अपनी मां को नहीं बिठाने वाला। शशि कपूर फिल्म में शक्ति, इनका जन्म कोलकाता में 18 मार्च 1938 को हुआ था। इनकी मृत्यु 4 दिसंबर 2017 कोकिला बेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट मुंबई में हुई थी। इनकी जीवन साथी की बात की जाए तो इनकी पत्नी का नाम जेनिफर कैंडल है। इनके बच्चों का नाम करण कपूर, कुणाल कपूर, संजना कपूर है। इनके भाई बहन का नाम शम्मी कपूर, राज कपूर, उर्मिला सियाल कपूर, नंदी कपूर और साथी देवी कपूर है। आया आई को आया किस गधे के बच्चे ने कहा? राजकुमारी मीनाक्षी देवी को न पहचानने वाला शायद गधे का बाप है। हमारा गुस्सा कोई चौराहे का घंटाघर नहीं जो बजा है, समझे? परवीन बाबी फिल्म में सुरीली, इनका जन्म जूनागढ़ में 4 अप्रैल 1954 में हुआ था। इनकी मृत्यु जुहू मुंबई में 20 जनवरी 2005 में हुई थी। इनके माता पिता का नाम जमाल बख्त बाबी, वली मोहम्मद बाबी है। वो तो कब की मर चुकी है, अब तो मैं सिर्फ मीनाक्षी हूँ। एक सरदार की सिपाही, एक इंसान की पत्नी। मतलब? लड़कियों को सुहागन बनाने के लिए लोग उनकी मांग में सिंदूर भरते हैं, मगर मैंने तो क्रांति के पावन और पवित्र निशान से तुम्हारा खून लेकर अपनी मांग में भरा। हेमा मालिनी फिल्म में राजकुमारी मीनाक्षी, इनका जन्म अमान कुंडी में 16 अक्टूबर 1948 को हुआ था। इनकी उम्र 73 वर्ष है। इनका पूरा नाम हेमा मालिनी आर चक्रवर्ती है। जीवन साथी की बात की जाए तो इनके पति का नाम धर्मेंद्र है और इनके बच्चे ईशा देवल, आहान देवल है। कर्तव्य का पालन करना कुत्ते से सीखो। कुत्ता तो अपने मालिक की रक्षा करता है, तुमने अपनी मातृभूमि का सौदा कर लिया। कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता न होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता न होता। दिलीप कुमार फिल्म में सांगा, इनका जन्म किस्सा खानी बाजार पेशावर पाकिस्तान में हुआ था 11 दिसंबर 1922 को। इनकी मृत्यु 7 जुलाई 2021 को पीडी इंदुजा नेशनल हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर मुंबई में हुई थी। इनका पूरा नाम मोहम्मद यूसुफ खान है। जीवन साथी की बात की जाए तो इनकी दो पत्नियां हैं, असमा रहमान, सायरा बानो। भाई बहन की बात की जाए तो उनका नाम नासिर खान, सलमान खान, एहसान खान, फौजिया खान है। अगर नकाब के पीछे असलियत देखना चाहती हो ना तो मेरे साथ ऊपर चलो। ये हमारा शोमो मलमल बनाया करता था, ढाकी की मलमल, जिसका पूरा का पूरा थान एक छोटी सी अंगूठी से निकल जाया करता था। मनोज कुमार फिल्म में भारत, इनका जन्म एबटाबाद पाकिस्तान में 24 जुलाई 1937 में हुआ था। इनकी आयु 84 वर्ष है। जीवन साथी की बात की जाए तो इनकी पति का नाम शशि गोस्वामी है। इनके बच्चों का नाम कुरान गोस्वामी, विशाल गोस्वामी है। इनके माता पिता का नाम एचल गोस्वामी, कृष्णा कुमारी गोस्वामी है। इनके भाई बहन का नाम राजीव गोस्वामी, मनीष आर गोस्वामी, नीलम गोस्वामी है। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।